हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फोन के सारे नंबर को जीमेल पर भेजना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि फोन नंबर को जीमेल पे ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। तो यहाँ पर अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे हम जितने भी कॉन्टेक्ट है, जो भी हमारे सिम के कॉन्टेक्ट है या फिर जो भी फोन के कॉन्टेक्ट है, उसको हम कैसे जीमेल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जीमेल पे सेव कर सकते हैं, यही देखेंगे। ताकि हमारा कभी भी प्रॉब्लम होता है, कभी फ़ोन खो जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हम हमारे सारे जो कॉन्टेक्ट है उसे हम आसानी से रिकवर कर सकें। तो यहाँ पे जितने भी कॉन्टेक्ट है उसे जीमेल पे सेव करने के लिए आपको एक गूगल का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, कॉन्टेक्ट नाम का। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से आप क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये अलाउ करने के लिए पूछेगा, अलाउ करते हैं, अलाउ, एंड ये इस तरह से खुल जाएगा। ये यहाँ पे इस तरह से खुल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो कॉन्टेक्ट येट, मतलब कि अभी एक भी कॉन्टेक्ट हमारे जीमेल पे नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीमेल सिलेक्टेड है, कोई भी यहाँ पे कॉन्टेक्ट नहीं है। इसी में हम ट्रांसफर करेंगे। देखिए, जो भी जीमेल पे कॉन्टेक्ट सेव होता है वो इसी एप्लीकेशन में सेव होता है, जहाँ से भी आप सेव कर लीजिए इसी एप्लीकेशन में आएगा वो। इसलिए मैंने ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करवाया है। अब यहाँ से जितने भी कॉन्टेक्ट है उसे हमें जीमेल पे सेंड करना बहुत ही आसान है, बस एक क्लिक में हो जाएगा। चलिए सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है मेरे जीमेल पे। और यहाँ पे वो हमारा जो फ़ोन है उसमें आप देख सकते हैं ये सारे जो कॉन्टेक्ट हैं वो हमारे फ़ोन में है। तो ये सारे कॉन्टेक्ट को हम जीमेल में ट्रांसफ़र करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो जिस भी जीमेल में आपको ट्रांसफ़र करना है उसे पहले जीमेल को सिलेक्ट कर लीजिए, जीमेल पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके जो भी कॉन्टेक्ट होगा उसको इसमें ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे राइट पे डॉट पे क्लिक करेंगे, थ्री लाइन पे, और क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे और नीचे आपको दिखेगा इम्पोर्ट, इम्पोर्ट पे क्लिक करेंगे। और अब ये पूछेगा कि कहाँ से आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं। तो हमारा सिम कार्ड से इम्पोर्ट करना है, जो भी कॉन्टेक्ट आपका सिम में है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद ये सारे कॉन्टेक्ट आपके नीचे आ जाएंगे और अपने आप ही सारा कॉन्टेक्ट सेलेक्ट रहेगा। बस आपको ऊपर में इस सही के निशान पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए कॉन्टेक्ट जो है वो अब इम्पोर्ट हो रहा है। देखिए 144 कॉन्टेक्ट इम्पोर्टेड हो गया। बैक करके अब देख लेते हैं। ये देखिए हमारा जितना भी कॉन्टेक्ट था वो अब यहाँ पे हमारे जीमेल पे आ चुका है। सारे कॉन्टेक्ट हमारे जीमेल पे अब आ चुका है। तो अब कभी भी हमारा फ़ोन अगर चेंज करना होगा या फिर कहीं भी खो जाता है, कहीं भी प्रॉब्लम कुछ भी हो जाता है, दूसरे फ़ोन में हम ये बस कॉन्टेक्ट नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे हमारा सारा कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ये हमेशा कॉन्टेक्ट हमारा सेफ रहेगा। तो इस तरह से आप जो है अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट को अपने जीमेल पे भेज सकते हैं, जीमेल पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को WhatsApp पे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।